दोस्तों अगर आप भी धवन को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंकाई टीम से आखिरी ओवर में हारने के बाद भावुक हो गए शिखर धवन, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसा कहा कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। तो आखिरकार हार के बाद भावुक होते हुए क्या बोले शिखर धवन वो तो आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज आप भारत की शानदार गेंदबाजी के प्रयास को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में खेला गया सीरीज का दूसरा T20 मैच आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा, क्योंकि आज भारतीय गेंदबाजों ने वाकई में इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत भारतीय क्रिकेट टीम के टॉस हारने के साथ हुई थी। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से धवन के 40 रन, पड़ीकल के 29 और ऋतुराज गायकवाड़ के 21 रनों के बलबूते पर भारतीय क्रिकेट टीम मात्र 133 तक पहुंच पाई। श्रीलंकाई टीम के सामने एक बेहद ही छोटा लक्ष्य था, लेकिन फिर भी गेंदबाजों ने आज इतनी ज्यादा मेहनत करी कि आज श्रीलंकाई टीम को जीतने के लिए तरसा दिया था। भुवनेश्वर कुमार ने टीम को पहला विकेट दिलाया और फिर वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन असली कमाल किया कुलदीप यादव ने। आपको बता दें कि दो बैक टू बैक विकेट लेने के बाद कुलदीप यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम का एक शानदार कमबैक करा दिया था, जिसमें न सिर्फ शनाका का नाम शुमार था बल्कि भानुका का भी। देखते ही देखते अब भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई टीम के 94 पर 5 विकेट कर दिए थे, जीतने की उम्मीद जाग चुकी थी कि तभी सकारिया ने भी विकेट लिया और अब पूरा स्कोर चला गया आखिरी दो ओवर तक। दोस्तों 10 गेंदों में 18 रन चाहिए थे, लेकिन करुणारत्ने ने भुवनेश्वर के ओवर में छक्का चढ़ा और मुकाबला अंतिम ओवर तक चला गया। 6 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की दरकार थी श्रीलंका को, और फिर श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने मिलकर आसानी से लक्ष्य को चेज कर लिया। परंतु दोस्तों भले ही भारतीय क्रिकेट टीम आज हार गई हो, लेकिन हार कर भी भारतीय गेंदबाजों की जीत हो गई है, क्योंकि सभी गेंदबाज युवा थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी के पास। उसके बावजूद उनका इस लेवल का प्रदर्शन दर्शाता है कि वो भारतीय क्रिकेट टीम में क्यों हैं। और जीत के बाद थोड़े भावुक होते हुए शिखर धवन ने भी कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल ही जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि मैच के बाद धवन बहुत ही ज्यादा भावुक नजर आए, और अपने बयान में शिखर धवन ने कहा कि आज भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो वाकई में दर्शाता है कि किस तरीके से एक युद्ध में योद्धा प्रदर्शन करते हैं। भारतीय गेंदबाजों ने अंत तक हार नहीं मानी और अपनी टीम के लिए जान लगा दी। मैं वाकई में आज हार से इतना ज्यादा अफसोस नहीं मनाना चाहता, क्योंकि आज भारतीय गेंदबाजों की जीत है। ज्यादातर खिलाड़ी नहीं थे और केवल फील्डर ही नहीं बल्कि गेंदबाज भी, लेकिन जिस हिसाब से सबने अपने देश के लिए जी जान एक करी और मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले गए, वो दर्शाता है कि सभी खिलाड़ी भारत को जिताने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे, और एक देश के लिए जीत से बढ़कर काफी ज्यादा ये सब है। भारतीय गेंदबाजों को मेरा सलाम है, लेकिन हाँ मुझे यह भी लग रहा है कि अगर हम 10 से 15 रन ज्यादा बनाते तो शायद हमारी टीम इस मुकाबले को जीत सकती थी, लेकिन हर दिन आपका नहीं होता, ऊपर से हमारी टीम में सभी खिलाड़ी प्रेजेंट भी नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों और खिलाड़ियों ने मिलकर प्रदर्शन किया है, उसने हमें तीसरे T20 मैच में जीतने की उम्मीद दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरे T20 मैच में इसी प्रदर्शन के बलबूते पर हमारी भारतीय क्रिकेट टीम सीरीज को अपने नाम करेगी। एक बार फिर से मैं चेतन सकारिया, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव और यहाँ तक कि राहुल की भी जमकर तारीफ करना चाहूंगा, इन खिलाड़ियों को मेरा सलाम है। दोस्तों धवन अपने बयान के दौरान बहुत ही ज्यादा भावुक नजर आए, लेकिन एक बार भी उनकी जबान नहीं लड़खड़ाई और उन्होंने हार का अफसोस नहीं जताया। और वाकई में दोस्तों आज आप भारतीय गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।